वेलकम टू दी रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम सीखेंगे कैसे हम फैमिली, आप कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो रिविट आर्किटेक्चर में, तो हम फैमिलीज में जाके टेबल, सोफ़ा, बेड ये सब इंपोर्ट करते हैं, लोड करते हैं और उसको हम पुट कर देते हैं जो पहले से सॉफ्टवेयर के साथ आया है। आपको अपनी मर्ज़ी से कोई फैमिली कंपाउंड बनाना है तो आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे, जैसे कि टेबल, हम आज ट्यूटोरियल में इस टेबल को बनाएंगे अपने फैमिली के अंदर, फिर इसको लोड करके कैसे लगाना है वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, जिससे मैं मोटिवेट नहीं हो पाता कि आगे वीडियो बना पाऊँ। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखें तो जो शेयर आपके वीडियो के नीचे जो शेयर का आता है, अपने फेसबुक पर उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, क्योंकि बहुत ही कम व्यू आते हैं। और मैं क्यों इतने टाइम अपना 3-4 घंटे डेली क्यों वेस्ट करूं मैं, जब हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यू ही नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं तो बस एक क्लिक, एक शेयर का क्लिक करना है अपने फेसबुक पर, आप शेयर कर दीजिए किसी और को, अगर उसकी ज़रूरत होगी वीडियो की तो वो देख लेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब आप रिविट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आ रहा है प्रोजेक्ट का ब्लॉक और एक आ रहा है फैमिली का ब्लॉक, क्योंकि हमें फैमिली क्रिएट करनी है तो हम फैमिली पर न्यू करेंगे। उसके बाद आपको कुछ फाइल्स दिखाई देंगी, क्योंकि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो हम फर्नीचर, टेबल फर्नीचर में आती है तो हम फर्नीचर में जाएंगे। मैट्रिक फर्नीचर होगा इसमें, मैट्रिक फर्नीचर, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमें विंडो में दिखाई दिया वो था रेफरेंस प्लेन है हमारा 2, और ये प्लान है टॉप व्यू, जो हमारा रेफरेंस प्लान सिलेक्ट है वो है रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो हमको एक टेबल क्रिएट करनी है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पैनल क्रिएट के अंदर एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिजोल्व, स्वीप, स्वीप बैंड, वॉइड्स, जो भी कुछ बनाना है इन्हीं टूल को यूज़ करके बनाना, इनके अलावा कोई टूल नहीं है कोई भी मॉडलिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि टेबल हम ऐसी बनाएंगे, हम ये ले लेते हैं 2 मीटर, ठीक है, कुछ रफली डायमेंशंस, ये ले लेते हैं हम 1 मीटर, और जो हम इसके कॉलम्स होंगे वो भी 1 मीटर की हाइट ले लेते हैं, जो कॉलम्स की जो विड्थ होगी वो 100x100 mm, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो ये रेफरेंस लाइन है हमारी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफरेंस प्लेन जो है, रेफरेंस लाइन जो एक और क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिनके दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2 मीटर। तो 2 मीटर यानी कि मीटर यानी कि यूनिट हमें डिसाइड करनी होगी, तो UN, और यहाँ पर लेंथ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मीटर, मीटर, और यहाँ पे हम डेसिमल ले लेते हैं 2 प्लेस, ओके ओके। तो रेफरेंस लाइन के लिए RP, और ये ग्रीन लाइन आपको लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफसेट में डाल देते हैं हम 1 मीटर, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम क्लिक करते हैं तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, ये टोटल आपका 2 मीटर का रेफरेंस लाइन बन चुकी है। अब हमें इधर, क्योंकि हमारा 1 मीटर है तो 0.5 लेना है हमें, 0.5, तो 0.5 का ऑफसेट यहाँ पे और 0.5 का ऑफसेट यहाँ पे, केवल रेफरेंस लाइंस है हमारी, ठीक है। हमारी रेफरेंस लाइन बन चुकी हैं, अब जरा हम इनको थोड़ा सा मेज़र कर लेते हैं, इनको डायमेंशंस कर लेते हैं। डायमेंशंस के लिए DI होता है आपका, DI, और आप इसको हम अगर यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें फिर यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 2 मीटर, 1 मीटर, और सेम एज़ यहाँ पे इसकी टेबल की विड्थ है और ये लेंथ है। अगर हम टोटल मेजर करें तो टोटल दिखाई देगा ये 2 विड्थ, और यहाँ पर भी अगर हम टोटल देखें तो टोटल दिखाई देगा 1 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो 1 मीटर है इस पर क्लिक करना है, ये 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर है क्या, ये लेंथ है, हमें डिफाइन करना होगा। जब भी आप फैमिली कोई लोड करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो फैमिलीज की डायमेंशंस आप चेंज कर सकते हो, लेंथ, विड्थ, तो सेम वही डिफाइन करने के लिए हमें इसको लेंथ डिफाइन करना होगा। हमने इस 2 मीटर पे क्लिक किया और यहाँ पे जो लेबल्स आ रहा है
यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ऐड पैरामीटर और इसको ले लिया मैंने लेंथ। ओके देखिए लेंथ आ गया। सेम मैंने इसको सेलेक्ट किया और दोबारा से पैरामीटर ऐड किया विड्थ। ओके कर लिया, ये लेंथ है हमारी और ये हमारी विड्थ है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि टेबल की कोई हाइट भी होगी, ये तो टॉप व्यू है टेबल का, तो हाइट के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट पर हमने क्लिक किया, तो राइट पर हमने क्लिक किया तो ये रेफरेंस लेवल एक आ रहा है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, क्योंकि टेबल की हाइट हमने 1 मीटर रखी है, तो एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो रेफरेंस लाइन के लिए RP ग्रीन लाइन ऑफसेट 1 मीटर और ये ठीक है। अभी जो लाइन हमने बनाई है अगर इसकी हम डायमेंशंस लें तो ये 1 मीटर आ रही है ठीक है। अब इस 1 मीटर पे क्लिक करके इसको भी हम पैरामीटर लेबल दे देते हैं ऐड और हाइट। ये इसलिए हम दे रहे हैं कि जब हम एक फैमिली बना लेंगे तो इसको किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकें ठीक है। और इसका जो टाइटल है इस प्लेन का हम यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल देते हैं नेम प्लेन ठीक है, रेफरेंस प्लेन है। अब ये हमारा बन चुका है। अब दोबारा से हम जाएंगे रेफरेंस लेवल के ऊपर ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्रिएट में जाके एक्सट्रूजन लेंगे और रेक्टेंगल टेबल बनानी है तो रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से सेट करेंगे कौन से प्लेन पर बनानी है। तो हमें बनानी थी जो हमने नया प्लेन बनाया 1 मीटर ऊपर ओके, और अब कॉर्नर टू कॉर्नर हम रेक्टेंगल लेंगे, सॉरी कॉर्नर टू कॉर्नर हम क्लिक कर देंगे और सभी को हम लॉक कर देंगे जो हमारे डायमेंशंस ख़राब ना हो। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक पे ओके कर देंगे, ये टेबल बन चुकी है। अब जरा 3D में देख लेते हैं, ये देखिए टेबल का ऊपरी सरफेस हमारा बन चुका है। हम जाएंगे लेफ्ट में, यहाँ पे देखिए टेबल है हमारी, टेबल का ऊपरी चीज़ ऊपरी जो प्लेट है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो थिकनेस हम यहाँ से कम कर सकते हैं जब इसको सिलेक्ट करेंगे 250 mm। इस और एक चीज़ हो रहा है कि ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, मैं चाहता हूँ ये प्लेट इस तरीके से बने केवल 100 mm की, तो मैं यहाँ पर -100 mm डाल देता हूँ, -0.1। ये देखिए अब ये ठीक है। अब हम दोबारा रेफरेंस प्लेन पर जाएंगे, क्या बनाना है अब हमें बनाना है इसके लेग ठीक है। लेग के लिए पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे, तो RP और रेफरेंस लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑफसेट 0.1, 100 mm by 100 mm का हम एज्यूम कर लेते हैं ठीक है। ये हमने ऑफसेट मारा, यहाँ पे ऑफसेट मारा सेम एज यहाँ पे ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रेट पे जाना है एक्सट्रूशन और प्लेन हमारा प्लेन वाला सेट है, और हमें जूम आउट करके हल्का सा यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी रेक्टेंगल लेके यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे इन सभी को लॉक कर दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ जाना है, हर कॉर्नर पे हमें इसी तरह से लेग्स का जो क्रॉस सेक्शन है हम वो डिफाइन कर देंगे 100 by 100 mm। ठीक है, उसके बाद ग्रीन पे टिक करेंगे ओके, ये बन चुके हैं। अब हम जाएंगे राइट व्यू पे, देखिए यहाँ पे ये है हमारे लेग, जो लेग है हमारे वो उसे हम यहाँ से इस डाउन एरो से खींच कर 1 मीटर डाउन लेके आएंगे, और ये जो ऊपर वाला एरो इससे खींच के हम यहाँ तक लेके आएंगे ठीक है। बस अब हम इसको 3D में चेक करते हैं, तो देखिए टेबल हमारी बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो एक ये लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जो हमारे लेग है इससे जॉइन नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे जॉइन टूल लेके पहले हमने इस प्लेट पर क्लिक किया और फिर हमने किया अपने लेग्स पर। अब देखिए यहाँ पर लाइन ये भी जॉइन हो चुके हैं ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरी टेबल को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल, तो यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक किया मैंने, मटेरियल की टेबल आ गई, और यहाँ पर क्लिक करके लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं वुड, हमें वुड पैटर्न देना है और हम इसको वुड इस वाले पैटर्न को ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आ जाता है, इसको हम ओके कर देते हैं।
और यहाँ पे जाके अगर हम रियलिस्टिक करते हैं इसको और फाइन डिटेल, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, शायद नहीं आ पाए। हम दोबारा से जाते हैं लाइब्रेरी, हमने यहाँ पे सर्च किया था वुड, और वुड पे जाने के बाद हमने एक कोई वुड पैटर्न, ये बम्बो पैटर्न ले लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ चुका है, ओके कर देते हैं। शेयरिंग वॉयलेशन, इसको वॉयलेशन हो रहा है इसको शेयर करने में, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अब डबल क्लिक करते हैं इसे हम, ओके। देखिए इसमें कलर आ चुका है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फैमिली टेबल के नाम से, ठीक है। सेव नहीं आ रही, कोई एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने मटेरियल में, मटेरियल मुझे चेंज करना है, और यहाँ पे मैंने लिखा वुड, और मैंने यहाँ वुड पैटर्न पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये वुड पैटर्न नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, तो कोई और ले लेते हैं, ये भी नहीं आ पा रहा है, ये इसको देखते हैं, ये आ चुका है। तो कुछ पैटर्न्स सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से इस पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ पैटर्न आ पा रहे हैं, तो हम एक और पैटर्न चेंज करके देखते हैं, ये कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी और क्यों ना ये पैटर्न देखें, ब्रिक वाला, देखिए ये भी पैटर्न कुछ टेबल टाइप का नहीं लग रहा है, मेरे को टेबल टाइप का कोई पैटर्न चाहिए जो लगे कि टेबल है हमारे पास। नो, जो वुड वाले हैं हमारे उनमें कुछ एरर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वुड में जितने भी हैं मैं एक करके अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। एक वुड में ये आ चुका है, तो ये हमने बनाई है टेबल, और इसको अगर हमें लोड करना है तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, कोई प्रोजेक्ट तो सेव नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक वॉल जिसके ऊपर हम बनाएंगे ये, जिसके पास हम बनाएंगे टेबल। अब मैं यहाँ से करके जाता हूँ फैमिली के ऊपर, यहाँ 3D में देखते हैं अपनी फैमिली को, और यहाँ पे लोड इनटू प्रोजेक्ट्स, देखिए स्पेस से रोटेट हो जाएगी ये रही। अगर अब इसको हम 3D में देखते हैं तो ये रही हमारी टेबल, और यहाँ पे हम देखते हैं इसका रियलिस्टिक, और यहाँ पे फाइन डिटेल। इस टेबल पे क्लिक करके एडिट करके देखिए आप, लेंथ विड्थ, लेंथ अगर मैं कर देता हूँ 2000, तो लेंथ हमारी 2000 चेंज हो जाएगी, और अगर मैं विड्थ कर देता हूँ 500, तो ये हमारी 500 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।